लो गाइस वेलकम बैक गाइस। यहां पर जो है Xiaomi के सिस्टम लॉन्चर के अंदर एक न्यू अपडेट देखने को मिला है जिसके अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करा गया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको फुल चेंज लॉग बताने वाला हूं और बताने वाला हूं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना अगर आपको जानना है तो, एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया गाइस उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है सबसे पहले आपको न्यूज़ वगैरह मिलता रहता है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप वर्जन देख लो, यहाँ पर एक अल्फा वर्जन है तो यहाँ पर जो है आपको ये बीटा वर्जन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इस अपडेट को जो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर इसके सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको होम स्क्रीन देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको डिफॉल्ट वगैरह में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते, होम स्क्रीन में कुछ चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन भाई यहाँ पर जो है आपको जो चेंज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एनिमेशन स्पीड के अंदर। तो इसके अंदर जो है एक न्यू ऑप्शन को ऐड करा गया एनिमेशन स्पीड। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है रिलैक्स देखने को मिलता है, दूसरा देखने को मिलता है बैलेंस्ड, और जो आपको तीसरा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फास्ट। तो यहाँ पर जो आपको तीन टाइप के एनिमेशन देखने को मिलते हैं इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर हम रिलैक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एकदम नॉर्मली जो है आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो आपको स्लो इसके अंदर जो है एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो भाई रिलैक्स में कुछ इस तरीके से जो आपको एनिमेशन देखने को मिलता है अगर आप इस जो है रिलैक्स मोड में इसको सेट करते हो तो एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड गाइस अगर हम इसको चेंज करते हैं बैलेंस मोड के अंदर तो बैलेंस मोड में चेंज करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगा प्ले स्टोर को, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है इसके अंदर फास्ट आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू रिलैक्स्ड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आपको फास्ट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा रिलैक्स से। तो यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड गाइस अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तीसरा जो एनिमेशन टाइप आपको देखने को मिलता है वो है फास्ट। तो इसके अंदर जो है आपका जो एप्लीकेशन है काफ़ी फास्ट जो है एनिमेशन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एनिमेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहा है आपका कोई भी Xiaomi का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट में सेट करते हो तो गाइस यहाँ पर जो आपको ज़्यादा फास्ट एनिमेशन देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको कोई भी लैग वगैरह जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा फास्ट का जो है फ़ायदा हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर। और ये जो फीचर का कुछ दिन पहले जो है आ चुका। और गाइस यहाँ पर आपको जो नाम देखने को मिलता था यहाँ पर एलिगेंस बैलेंस और मिनिमलिस्ट, तो कुछ जो है इसके अंदर नाम को चेंज करा गया, नाम को चेंज करने के बाद रिलैक्स्ड बैलेंस और यहाँ पर आपको फास्ट देखने को मिल जाता है। जो नाम है उसको वो जो है थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। तो अगर आपको एनिमेशन वगैरह में बदलाव करना है तो जो है इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो, आप एनिमेशन वगैरह में जो है बदलाव कर सकते हो। बात करें गाइस लॉन्चर की परफॉर्मेंस की, थोड़ा बहुत जो है आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर एक और फीचर हमें देखने को मिला जो कि ऑफिशियली इनेबल्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको एक्टिविटी लॉन्चर डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ओपन करना, यहाँ पर आपको लोडिंग होता हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा गाइस, यहाँ पर आपको सर्च में क्लिक करना है। सर्च में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा नेविगेशन। नेविगेशन जब ऑप्शन क्लिक करोगे गाइस तो कुछ इस तरीके से जो इसके अंदर आपको यूआई देखने को मिलेगा नेविगेशन बटन्स पोजीशन। तो यहाँ पर आप जो है अपने नेविगेशन बटन का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको तीन टाइप के नेविगेशन जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको बीच में देखने को मिलता है, साइड में देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट में जो है आपको नेविगेशन बटन का जो है ऑप्शन चेंज करने का देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो है आई थिंक सो ये काम नहीं करता है, अभी जो है काफ़ी जल्दी जो अपडेट ऑफिशियली आने वाला है और सभी फोन्स के अंदर जो है सिस्टम लॉन्च करके इस फीचर को जो है ऐड कर दिया जाएगा। एंड गाइस अगर आपको इस सिस्टम लॉन्चर के अपडेट को इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के अंदर तो यहाँ पर जो है मैंने डाउनलोड लिंक जो है इसका टेलीग्राम के अंदर जो है शेयर कर दिया है, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो। MIUI 12 या फिर 13 के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आपको जो है नॉर्मली जो सिस्टम लॉन्चर का अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो गाइस यही था आपके लिए वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो गाइस उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ कुछ इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।